in the given figure, if QT upon PR is equal to QR upon QS, QT upon PR is equal to QR upon QS, and angle 1 is equal to angle 2, full stop, prove that triangle PQS is similar to triangle TQR. अब फिगर देख लीजिए, फिगर क्या दे रखी है, PQR, ये इधर है एंगल वन एक पॉइंट इधर है P, इसको R से जोड़ दिया, ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल है एंगल टू, और फिर P को S से ज्वाइन कर दिया, मतलब एक लाइन और PS, ये लाइन ऐसे हो गई PS, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है, ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में इन्होंने हमको ये बताया कि QT अपॉन PR, मतलब ये पूरी लाइन QT और ये लाइन PR, QT अपॉन PR is equal to ये पूरी लाइन QR और अपॉन ये छोटी वाली लाइन QS, ये दे रखा है। तो QT अपॉन PR, ठीक है, एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये दे रखा है, ठीक। मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल PQS, ये वाला ट्राइंगल PQS, ये छोटा ट्राइंगल इज सिमिलर टू बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल TQR, ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, TQR मतलब बड़ा ट्राइंगल हो गया और PQS मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अभी, गिवन गिवन दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एक तो ये दे रखा है मुझे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, so in so एंगल टू ये वाला हो गया और एंगल वन ये वाला हो गया, तो एंगल वन के सामने वाली साइड पी आर और एंगल टू के सामने वाली साइड पी क्यू, सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बिकॉज साइड्स opposite to sides opposite to equal angles sides opposite to equal angles sides opposite to equal angles of a triangle are equal.
sides opposite to equal angles of a triangle are equal. ठीक है, अब जरा देखिएगा, sides opposite to equal angles of a triangle are equal. तो अगर मान लीजिए मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर की, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में आप ये देखिए कि ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, तो आप ये देखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उन एंगल्स के अपोजिट वाली जो साइड्स है वो भी इक्वल हो जाती है। ये तो आप जानते हैं ना, कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलस ट्राइंगल, और उनके जो एंगल्स होते हैं एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स जो है वो भी इक्वल होती है। तो ये हो गया हमारा PQ जो कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो एंगल वन के सामने वाली साइड PR और एंगल टू के सामने वाली साइड PQ, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमने कहा PQ इज इक्वल टू PR, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये इसको बोल दीजिए, ये गिवन था, तो बेटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन, और फिर इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि मुझे QT upon PR, ठीक है जी। अब हम ये कहेंगे नाउ इन ट्राइंगल PQS, नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, तो यहां पर आप ये देखिएगा कि यहां पर मैं ये कह सकता हूं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो ये वाला ट्राइंगल है ना PQS और जो बड़ा ट्राइंगल है TQR, इन दोनों में एक एंगल तो कॉमन है, ये एंगल वन। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज देखता हूं कि हमें ये दे रखा है कि QT upon PR, देखते हैं अभी, QT upon PR इज इक्वल टू QR upon QS, ये है गिवन, QT upon PR इज इक्वल टू QR upon QS, ये दे रखा है। अब देखिएगा क्या करा जा सकता है इसमें, यहां पर हम ये कहेंगे कि मेरे को जैसे ये वाला ट्राइंगल है ना PQS और ये वाला ट्राइंगल है TQR, मुझे इसको सिमिलर प्रूव करना है, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास काफी सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि हम डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, या SAS यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल एस तो खैर इस पे नहीं आता, ठीक है, या फिर हम ASA यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, एक मिनट, जैसे मैं ये कोशिश करूंगा कि इधर वाली साइड्स का रेशो मिल जाए मुझे PQS का, तो खैर जब मुझे ये दे रखा है PQ is equal to PR, ये मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो PR है इस PR की जगह मैं लिख दूंगा PQ, QT upon PQ is equal to QR upon QS, since PQ is equal to PR from first equation से मैंने देखा PQ is equal to PR है, तो मैंने PR की जगह PQ लिख दिया, ठीक है। अब ये कर सकते हैं taking reciprocal on both sides, दोनों तरफ हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा PQ upon QT is equal to QS upon QR, और ये जो QT है, इस QT को मैं पलट कर क्या लिख सकता हूँ, PQ लिख सकता हूँ, PQ। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये क्या, ये जो मैंने करा है इससे मुझे फायदा क्या हुआ, ये जो PR की जगह मैंने PQ लिखा, इससे फायदा क्या हुआ, और ये मैंने लिखा क्यों, ये इस वजह से लिखा क्योंकि मुझे ये वाला ट्राइंगल चाहिए बेटा, छोटा वाला PQS, ट्राइंगल PQS, और एक ये बड़ा ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल TQR,
ये दो ट्राइंगल मुझे चाहिए। तो अब आप ये देखिएगा कि जब ये ट्राइंगल है छोटा वाला पी क्यू एस, तो इसमें पी क्यू, ये देखिए पी क्यू, और दूसरी साइड क्यू एस, ये देखिए ऊपर न्यूमरेटर वाली दोनों तरफ पी क्यू और क्यू एस आ गई, यानी कि छोटा ट्राइंगल पी क्यू एस इसकी साइड्स हो गई। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, ये बड़ा ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू इधर और क्यू आर इधर, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर। तो अब मैंने क्या क्या लिया, छोटे ट्राइंगल की कौन सी साइड ली, पी क्यू ली और क्यू एस ली। देखिए आप पी क्यू और क्यू एस ये हमने लिया छोटे ट्राइंगल का, ठीक। उसके बाद देखिएगा, एक मिनट वेट कीजिए, तो पी क्यू और क्यू एस ये हो गया पी क्यू और ये हो गया क्यू एस। तो इसके बीच में जो ये एंगल है वन, मैं लिखूंगा यहां पर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, फिर आप देखिए टी क्यू और क्यू आर, तो ये बड़ी वाली साइड क्या है टी क्यू और ये बड़ी वाली साइड क्या है क्यू आर, तो टी क्यू और क्यू आर के बीच में भी एंगल वन है, यही सेम एंगल पड़ रहा है। Is equal to angle T Q R is equal to angle one common angle। तो अब आप ये देखिएगा क्या हो गया, PQ upon TQ is equal to QS upon QR and PQS is equal to TQR angle। तो आप ये देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच का एंगल, इसी तरह से बड़े ट्राइंगल में ये वाली साइड TQ, ये वाली साइड QR और बीच का एंगल ये इक्वल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बेटा समझ में आ गया? यस सर। जी सर, एक बार दोबारा बता दीजिए ये वाला जो भी आप बता रहे थे स्मॉल ट्राइंगल। अभी तो अभी कहीं और लगा हुआ होगा, थोड़ा सा दिमाग ना थोड़ा होता है, समझ में नहीं आया होगा ये वाला। यस सर, एक बार दोबारा बता दीजिए एंगल वन पर। अच्छा अच्छा अभी बता रहा हूँ, देखो ये हो गया हमारा ये वाला जो है पी क्यू एस, ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू एस, अब ट्राइंगल पी क्यू एस तो छोटा ट्राइंगल हो गया, और ट्राइंगल टी क्यू आर ये हो गया बड़ा ट्राइंगल। तो जो छोटा ट्राइंगल है पी क्यू एस, तो इसका तो पी क्यू और क्यू एस, तो आप ये देख लीजिए कि न्यूमरेटर में क्या आ रहा है पी क्यू और क्यू एस, ठीक। और जो बड़ा ट्राइंगल है टी क्यू आर, तो डिनोमिनेटर में छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल की वैल्यूज डाल दी हमने TQ और QR। देखो जरा TQ और QR, तो आप ये देखो दो ट्राइंगल्स मेरे पास हैं, एक छोटा है PQS और एक बड़ा है TQR। तो PQ ये वाला PQ अपॉन TQ, PQ अपॉन TQ एक साइड हो गई, एक साइड का रेशियो हो गया। फिर दूसरी साइड देखिए, दूसरी साइड क्या है QS अपॉन QR, QS अपॉन QR, तो दो साइड्स के तो रेशियो इक्वल हो गए। और उसके अलावा जो ये जो दो साइड्स में ले रहा हूं इनके बीच का एंगल जो है वो इक्वल आ गया। आप देखो मैंने इस वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड ली है, PQ लिया है और QS लिया है, PQ लिया है और QS लिया है, और बीच का एंगल वन वो इक्वल है ही। ऐसे ही मैंने बड़े ट्राइंगल की ये वाली साइड ली है TQ और QR और बीच का एंगल वन, तो PQS बोलो या TQR बोलो दोनों एंगल वन के ही तो इक्वल है। तो क्या हो गया, ये साइड्स का रेशो, ये साइड्स का रेशो और इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ये इक्वल आ गया, तो मैं बोलूंगा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बताओ सर, आ गया, ठीक है। देयरफॉर बाय एसएएस सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय एसएएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR. ये प्रूव हो गया, बताइए क्लियर है? Yes sir. चलिए। Yes sir. ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Example number 14. एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिएगा, इन फिगर 7.98, यानी कि इन द गिवन फिगर AD एंड CE आर टू ऑल्टीट्यूड्स,
In the given figure, AD and CE are two altitudes. AD and CE are two altitudes of triangle ABC. AD and CE are two altitudes of triangle ABC. Prove that first part, चार अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, फिगर क्या दे रखी है वो भी बताता हूँ अभी। फर्स्ट में है मुझे क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF। ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF। AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF। सेकंड है ट्राइंगल ABD Triangle ABD is similar to triangle CBE. Third part hai, triangle AEF is similar to triangle ADB. Fourth part hai, triangle FDC. Is similar to triangle BEC. ये चार पार्ट्स प्रूव करने हैं और गिवन जो फिगर है वो देख लीजिए जरा। ये फिगर दे रखी है और इसमें फिगर में उन्होंने बोला है कि एडी और सीई ये दोनों के दोनों जो है ये दो ऑल्टीट्यूड्स दे रखे हैं। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। परपेंडिकुलर जो लाइंस होती है ना उन्हीं को ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। तो एडी और सीई दो ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ए EF और ट्राइंगल CDF हमको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो ये देखिएगा ये दोनों ट्राइंगल बड़े आराम से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। कैसे करना है देखते हैं जरा। फर्स्ट पार्ट इसके सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल AEF एक तरीका होता है हम ऐसे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल AEF पहले तो ये ट्राइंगल और फिर दूसरा जो दूसरा मेरे को प्रूव करना है इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF। तो इसमें देखिए मैं क्लियर बता सकता हूं कि जब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो हम ये कहेंगे एंगल AEF is equal to, similarly, ये जो AD है ये भी तो perpendicular है
तो ये वाला जो है CDF, CDF भी 90 डिग्री का होगा, एंगल CDF इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन में लिखेंगे बेटा गिवन, क्योंकि ये जो लाइन है हमारा, ये जो है AEF, इसमें क्या है कि ये जो CE है ये ऑल्टीट्यूड है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये AD ऑल्टीट्यूड है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिएगा कि ये जो ट्राइंगल है ना AEF, इसमें जो ये बीच वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलेंगे, ये F है पॉइंट, तो एंगल AFE, एंगल मैं इसको ना इस तरफ मेंशन कर देता हूँ, शायद नीचे दिखाई नहीं देगा, एंगल ए एफ ई एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल सी एफ डी, रीजन में आप मेंशन करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। जब दो एंगल इक्वल आ गए तो मुझे तीसरे की जरूरत ही नहीं है, दो एंगल इक्वल आते ही हम बोलेंगे डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए, ठीक है। तो यही बार हम लिखेंगे पाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF, ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADF, CDF। एक तो मेरे को ये चीज प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिएगा सेकंड पार्ट में देखिए मुझे क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। बेटा ये क्लियर है ना सबको? यस सर। हां जी सर। ठीक है दीपांशी, क्लियर है? यस सर। देवशी? यस सर। लक्ष्य बताइए, दोनों लक्ष्य? यस सर। पार्थ, रुद्रांश? यस सर। यश? यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, मैं इसकी बात करता हूँ ट्राइंगल ABD और CBE की, यानी कि ABD कौन सा हो गया, ABD ये वाला, और CBE कौन सा हो गया, CBE ये वाला। तो इसमें आप ये देखिएगा, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABD, ABD and triangle CBE, अगर इन दो triangles की हम बात करें तो इन दो triangles में आप ये देख रहे हैं कि ये जो ABD जो ये वाला एंगल है और CBE जो ये वाला एंगल है, ये तो कॉमन एंगल है, दोनों triangles में लाई कर रहा है, सेम है ये तो एंगल, तो हम कहेंगे बेटा एक मिनट वेट करिएगा, मेरी ना वीडियो पॉज हो रही है, एक मिनट वेट करिए प्लीज। डबल ए सिमिलैरिटी से ही हो जाएगा ये। देखो इसमें ये वाला जो एंगल है, पहले हम बात करेंगे ए ई एफ की और फिर बात करेंगे ए डी बी की। तो इसमें आप ये देखो ए ई एफ में भी ये एंगल है सेम, और ए डी बी इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल है सेम। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये कहूंगा ट्राइंगल ए ई एफ में ये वाला एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एंगल एफ ए ई, एंगल एफ ए ई, दोनों में एंगल ए कॉमन है,
और फिर बड़ा ट्राइंगल एडीबी, एडीबी जो ये बड़ा ट्राइंगल है इसमें भी ये वाला एंगल कॉमन है तो इसको बोलेंगे डीएबी, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी दोनों इक्वल हो गए, इसको क्या बोलेंगे, रीजन इसका कॉमन एंगल। कॉमन एंगल ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिएगा, फिर इसी में AEF में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ADB में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, हैंस प्रूव्ड। बताइए समझ गए, यश क्लियर है? यस सर। रुद्रांश? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट है इन ट्राइंगल एफ डी सी एंड ट्राइंगल बीई सी, एफ डी सी एंड ट्राइंगल बीई सी। तो अब आप ये देखिए, अगर मैं एफ डी सी की बात करूं तो एफ डी सी ये वाला है एफ डी सी और बीई सी कौन सा है, बीई सी, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं एफ डी सी। तो एफ डी सी में एंगल एफ डी सी 90 डिग्री के बराबर है, एफ डी सी तो ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है, और बीई सी में, बीई सी में ये वाला एंगल ये 90 डिग्री के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल बीई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि एफ डी सी में, एफ बी सी में ये एंगल लाई कर रहा है कितना, और बी ई सी में भी ये वाला एंगल लाई कर रहा है, तो कॉमन एंगल हो गया। क्या सर? कुछ नहीं, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि यहां पर मैं ये कहूंगा कि एंगल एफ सी डी, एंगल एफ सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, ये क्या हो गया कॉमन एंगल। क्लियर है, समझ गए? तो अब हम बोलेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल एफ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, ये प्रूव हो गया, ठीक है जी? Yes, sir. ठीक है? अब इसी तरीके से, हाँ जी, हाँ जी। अब इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बस एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूं, एक मिनट टाइम दीजिए बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 15 एनसीईआरटी का है ये. एग्जाम्पल नंबर 15 में देखिएगा इन द गिवन फिगर यहाँ पर ना दो फिगर्स दे रखी हैं. इन द गिवन फिगर्स फर्स्ट एंड सेकंड इफ सी डी एंड जी एच bracket में D and H lie on AB and FE. D and H lie on AB and FE. Are respectively bisectors of bisectors of angle ACB and angle EGF. Angle ACB and angle EGF. Angle ACB and angle EGF and triangle ABC. And triangle ABC is similar to triangle FEG. Then prove that अब इसमें तीन parts दे रखे हैं. First है triangle DCA. Prove that triangle DCA is similar to triangle HGF. Second part है CD upon GH is equal to AC upon FG. थर्ड पार्ट है ट्राइंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई. तो दो फिगर दे रखी हैं. अब उन दोनों फिगर्स को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं. देखिएगा क्या दे रखा है. दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी. इधर है डी. ये है वन और ये है टू. दूसरा दे रखा है ई एफ जी. और ये है E, ये F और ये वाला पॉइंट G, E F G.
थ्री और फोर। तो फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल डीसीए, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल डीसीए ये डी सी ए और ट्राइंगल एच जी एफ, ट्राइंगल एच जी एफ ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो देखिए इन्होंने दे रखा है कि ये जो सी डी और जी एच है आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। ठीक है, तो ये जो सी डी है ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है पूरे का। ठीक है, ये जो सी डी है आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, तो ये पूरे ए सी बी का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। और जो जी एच है, जी एच, जी एच जो है वो बाइसेक्टर है किसका, ई जी एफ का, मतलब इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर है। बताइए इतना क्लियर है, ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। यस सर। चलिए जी ठीक है, अब मैं इधर बताता हूँ आगे कैसे करना है इसको। आगे देखिएगा, और ये दे रखा है क्योंकि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसमें लिखेंगे गिवन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। ट्राइंगल एबीसी, ये बड़ा ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी, ये दे रखा है। इसका मतलब कि ये जो पूरा एंगल है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे ना, फिर तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर मैं इस वाले की थर्ड पोजीशन वाले एंगल की बात करूं तो ट्राइंगल एबीसी का एंगल सी और ट्राइंगल एफईजी का एंगल जी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब दोनों सिमिलर दे रखे हैं इट इंप्लाइज दैट एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल, ये सी को ए और बी के बीच में ले लिया, ऐसे ही जी को एफ और ई के बीच में ले लीजिए, एफ जी ई, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ए सी बी इज इक्वल टू एफ जी ई, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। अब और क्या दे रखा है हमको कि ये जो एंगल टू है ये इसका आधा हो जाएगा एंगल ए सी बी का, तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन टू ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। तो ये जो ए सी बी है ये पूरा एंगल, इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ बेटा बस ये वाला, या तो ये कह दो या फिर ये कह दो। तो मैं जानबूझकर ये वाला कह रहा हूँ बिकॉज मुझे डी सी ए वाले ट्राइंगल को लेकर चलना है, डी सी ए, तो मैं ये वाला कह दूंगा, मतलब एंगल टू, एंगल टू। इसी तरीके से इधर एफ जी ई का आधा, तो एफ जी ई इस पूरे एंगल का आधा, या तो ये कह दो फोर या फिर ये कह दो थ्री, दोनों ही इक्वल है भाई, बाइसेक्टर है ना, तो मैं तो ये फोर वाला कह दूंगा। तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, ये हो गया। अब एंगल टू को हम क्या बोलेंगे, ए सी डी, एंगल ए सी डी, और एंगल फोर को क्या बोलेंगे, एफ जी एच, एफ जी एच, एक तो ये हो गया। ठीक है जी, और दूसरा, दूसरा मुझे डी सी ए और एक तो ये एंगल इक्वल हो गए, और एंड एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल एच एफ जी, एंगल एच एफ जी, ये क्यों हो गया इक्वल, ये इस वजह से इक्वल हो गया क्योंकि हमारा
जो बड़ा ट्राइंगल दे रखा है ना, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एफईजी, ये दोनों के दोनों सिमिलर है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये भी तो इक्वल होंगे भाई। फर्स्ट पोजीशन पर इधर एंगल ए है और इधर फर्स्ट पोजीशन पर एंगल एफ है, तो ये एंगल ए और एंगल एफ भी तो इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। समझ गए ना? तो हम ये कहेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सिंस ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी, तो अब आप ये देखो कि ए सी डी ये वाला एंगल और एफ जी एच ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल आ गए, और डी ए सी मतलब ये वाला एंगल और एच एफ जी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल आ गए। तो इस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए, टू इज इक्वल टू फोर एंड एफ इज इक्वल टू ए, ये दो ट्राइंगल, दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो बाई डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, काव्या काम्या समझ रहे हो? काम्या क्लियर है? डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल कौन सा, डीसीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, एक तो ये प्रूव हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इस तरफ करूंगा, सेकंड पार्ट पे आप ये लिखिए, सिंस वी हैव प्रूव दैट triangle DCA is similar to triangle HGF, it implies that इनके जो corresponding sides का ratio है वो equal हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या हो गया, CD upon GH, पहला दूसरा DC, इसका पहला दूसरा HG, इसका दूसरा तीसरा सी ए, इसका दूसरा तीसरा जी एफ, इसका पहला तीसरा डी ए, इसका पहला तीसरा एच एफ। मैं इन दोनों को ले लूंगा, इन दोनों से ही मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना था, सी डी अपॉन जी एच, तो डी सी को आप सी डी भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, और एच जी को आप जी एच भी लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए। सिमिलरली क्या है इधर, ए सी अपॉन एफ जी, इनको भी पलट कर लिख दो, सी ए को ए सी लिख दो और जी एफ को एफ जी लिख दो, हो गया प्रूफ। बताइए समझे कि नहीं? यस सर। अब इसी तरीके से देखिएगा बेटा, जैसे ये ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल एच जी ई, ये सिमिलर प्रूफ करना है, तो ट्राइंगल डी सी बी में ये एंगल वन है और ट्राइंगल एच जी ई में, एच जी ई में ये एंगल थ्री है, और एंगल वन क्या है, इस पूरे एंगल सी का आधा, एंगल थ्री क्या है, इस पूरे एंगल जी का आधा। ठीक है, तो जब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है तो इनका हाफ यानी कि एंगल वन और एंगल थ्री भी इक्वल होगा। दूसरा, जब ये पूरा ट्राइंगल एबीसी और पूरा ट्राइंगल एफईजी सिमिलर है तो ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल ई, ये भी इक्वल होंगे। जब ये इक्वल हो गए तो ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। बताइए समझ गए सभी बच्चे, कर लेंगे अपने? यस सर। यस सर। ठीक है, थर्ड पार्ट करिएगा अपने आप। ठीक है, बाकी कल देखते हैं, और शाम को मैं आज न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, पहले मिरर फॉर्मूला के, हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कर लिया था ना, तो हम मिरर फॉर्मूला के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज शाम को डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए जी, ठीक है, और आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ मैं, कि मैं 16th को भाई दूज है, और मैं 17th से मोस्ट प्रोबेबली 17th से मैं कुछ